बिकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के तरफ से स्नातक सत्र 2023 से 2027 चार वर्षीय ग्रेजुएशन में जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए भी किसी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथ ही साथ उन भी स्टूडेंट का बहुत बड़ी अपडेट है जो कि स्टूडेंट पीजी न्यू सत्र 2022 से 2024 में अपना नामांकन लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की तरफ से जो आप लोग को ऑफिशियल नोटिस है वो आप लोग को जारी कर दिया गया है इसमें सबसे पहले बताया गया है जितने भी स्टूडेंट पी में एडमिशन लेना चाहते हैं सत्र दो से दो में उन सभी स्टूडेंट का जो अंतिम डेट था वह पाँच छः दो हज़ार तेईस था इसे बढ़ा के अब आप लोग को दस छः दो हज़ार तेईस कर दिया गया है तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट अभी तक अपना पीजी में एडमिशन नहीं लिए है। हैं यदि आप लोग इच्छुक हैं एडमिशन लेने के लिए तो अब आप लोग बीकेश यूनिवर्सिटी के साइट पर जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं या आप लोग क्रोम ब्राउजर में सर्च कीजिएगा स्टडी एट एड स्टूडेंट हेल्प आप लोगों का लिंक जो है वो मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो मिल जाएगा साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को बता दें कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा तो यह डेट आप लोगों को आगे एक्सटेंड नहीं किया करता है यूनिवर्सिटी तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को 15 तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वह जारी कर देगा यदि आप लोगों को यह डेट आगे बढ़ जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलने की भी जो डेट है वो आप लोगों को आगे बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पर डेट दस ही रहता है तो आप लोग को पंद्रह तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वह जारी कर दिया जाएगा वहीं पर आगे देखते हैं स्नातक सत्र दो से दो सताईस में जितने भी स्टूडेंट चार वर्षीय ग्रेजुएशन एडमिशन ले रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए भी किस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आ गया है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जितने भी स्टूडेंट स्नातक कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं सत्र दो से दो सेमेस्टर वन में कला वणिज विज्ञान संकाय में तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का जितने भी स्टूडेंट का त्रुटि हो गया है फॉर्म कोई भी आप लोग को त्रुटि है तो आप लोग सुधार कर सकते हैं इसके लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है कि मोबाइल के क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है वहाँ पे आप लोग को सर्च करना है स्टडी एड अ स्टूडेंट हेल्प वहाँ पे आप लोगों का लिंक जो है वो मिल जाएगा साथ ही आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आप लोग सुधार कर सकते हैं तो आप अपना नाम मदर्स नेम फादर्स नेम सुधार कर सकते हैं कितना मार्क्स में यदि आप लोग गलती भर दिए हैं जैसे कि टेंथ का मार्क्सिटी चलाना था ट्वेल्थ का चलाना था ग्रेजुएशन का चल रहा था यदि आप लोग उसमें प्रत्यांक में कोई भी त्रुटि कर दी है तो यहाँ पे आप लोग सुधार कर सकते हैं साथ ही साथ आप लोग अपना सब्जेक्ट चॉइस भी बदल सकते हैं कॉलेज नेम भी आप लोग, लोग बदल सकते हैं मतलब कॉलेज नेम ने मतलब कि कॉलेज चॉइस भी आप लोग चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग कैटेगरी आप लोग चेंज कर सकते हैं और आरक्षण कोटि भी आप लोग चेंज कर सकते हैं जाति लिंग आप लोग का धर्म जो भी आप लोग को चेंजेस करना है वो आप लोग आराम से चेंज कर सकते हैं इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आवेदन के लिए आप लोग को सबसे पहले जहाँ पे कि लिंक मिलेगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा की वहाँ पे आप लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड जो आप लोग क्रिएट किए हैं वो आप लोगों को डाल के लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बाद आप लोगों का जो भी फॉर्म कोरेक्शन करना है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने खुद के मोबाइल से घर बैठे हैं उसके बाद फ्रेंड्स एक और नोटिफिकेशन आ रहा है जो कि फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं कि स्नातक सत्र 2023 से 2027 चार वर्षीय सेमेस्टर वन में आप लोग का एडमिशन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप लोग का आवेदन के अंतिम तिथि जो है वह नौ छः दो तक है यदि आप लोग आई आई किए हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का भी सब्जेक्ट मिलेगा वहाँ से आप लोग चॉइस कर सकते हैं साथ ही साथ आप लोग मदरसा से में एडमिशन लिए हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप लोग को मिलने के चांसेस बनता है आप लोग का एडमिशन में आरक्षण भी मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे आप लोग को त्रुटि सुधार करने के लिए भी अंतिम डेट जो है वो नौ छः दो तारीख है यहाँ पर आप लोग को कहना है कि मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा तो मेरिट लिस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग का पंद्रह तारीख को कभी भी जारी किया जा सकता है और बहुत जल्द आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप लोग को बताएंगे कि आप लोग का फर्स्ट मे टेस्ट का कट ऑफ कितने रहने वाला है किस सब्जेक्ट का तो फ्रेंड्स उसके अनुसार आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का कट ऑफ जो है वो कितने रहने वाला है तो फ्रेंड्स वीडियो को छात्र में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आज के फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय